एक बात कि यहाँ पर मैं लाइक डेट करने आया हूँ किसी को, मैं किसी के साथ जा रहा हूँ मैं घूमने के लिए आज। सो मैं दिखाता हूँ वो कौन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर व्लॉग। सो आज का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग जाने वाले हैं आज सिलचर, क्योंकि हमें कुछ कपड़ा परचेज करना है, हमें शॉपिंग करना है, क्योंकि हमारे एक दीदी का शादी 21 को है। लाइक संगीता दीदी, अगर आप देख रहे हो तो आपके शादी के लिए हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जाएंगे सिलचर शॉपिंग करेंगे। लाइक मेरे पास फॉर्मल पैंट है, मेरे को फॉर्मल शर्ट चाहिए और एक शू चाहिए, तो हम लोग वो लेंगे और हेयर स्ट्रेटनर का सामान लेंगे, लाइक क्रीम लेंगे, क्योंकि हेयर स्ट्रेटनर हमारे पास है और हमें चाहिए क्रीम। तो हम लोग लाइक 600-700 समथिंग में ही लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा दिन नहीं चाहिए, शादी के एक दो महीने तक रहने से ही चलेगा। तो आज हम लोग जाएंगे, ये सब सामान उठाएंगे और लाइक मेरे को अपना मतलब ब्लॉगिंग के लिए भी कुछ लेना है, तो अगर पैसे से कवर हो गया तो हम लोग लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो यही है कि आज सिलचर जाएंगे और थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे, बस इतना ही है। तो वीडियो पे बने रहना और लास्ट तक देखना, बस एक साथ रहना। ऐसा फर्जी आदमी है ना ये मेरे दो भाई, इन लोगों ने मुझे बोला कि 11:30 बजे निकल जाना है, मैं 11:30 से रेडी होके बैठा हुआ हूँ और साले चूमू के बच्चे लोग। कभी टाइम में होता है हम लोग का? नहीं, 11:30 का मतलब थोड़ा पहले मौसम क्लियर था, जैसे ही इन लोगों ने बोला 11:30 बजे निकलेंगे, मैंने सोचा कि हाँ आज बारिश भी नहीं है निकल जाएंगे, बट अभी बारिश दे रहा है कसम। ये दोनों फर्जी आदमी लोगों के लिए, ऐसा फर्जी आदमी लोग मैंने कहीं नहीं देखा। इसका मुंह देखो, ये चूतिया का मुंह देखो। अभी हम लोग निकल चुके हैं सिलचर किला, हम लोग ऑटो के अंदर है और बाहर हो रहा है बारिश, तो पता नहीं सिलचर का सीन क्या होगा, लाइक बारिश होगा या फिर नहीं। अगर अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, और बारिश हुआ तो अलग लग जाएंगे, क्योंकि हम लोग अच्छे से शॉपिंग ना कर पाएंगे ना ही व्लॉग। तो आई होप बारिश ना हो और अच्छा ही मौसम रहे। अभी हम लोग हैं सिलचर पे और यहाँ से जाएंगे हम इलोरा, क्योंकि हमें उधर से ही लेना अपना सामान, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग, हमारे लिए इलोरा ही परफेक्ट होता है। इलोरा से अभी जाके लेंगे, अगर नहीं मिला तो हम लोग दूसरी जगह पे जाएंगे हमारे स्ट्रेटनर का क्रीम के लिए, बट आई थिंक इलोरा पे मिल जाएगा, तो जाकर लेते हैं। और यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि इस बार बजट बहुत लो है। और हम लोग ने रिसेंटली प्लान बनाया कि हम लोग शॉपिंग करेंगे दीदी के शादी के लिए। अभी हम लोग का शॉपिंग तो खत्म हो गया, पूरा नहीं, बट मैंने शू नहीं लिया, मैंने क्रॉस लिया, लाइक 800 का मुझे पड़ा। आई एम हैप्पी क्योंकि क्रॉस हर जगह मैं पहन के जा सकता हूँ। सो वही अभी हम लोग इलोरा से निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मौलाना स्टोर, क्योंकि इलोरा पे मैंने अपने भैया राज भैया से पूछा था कि इलोरा से ले सकते क्या, उन्होंने बोला कि ले सकते हो अगर अच्छा हुआ, तो उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि मत ले अच्छा नहीं होगा। सो हम लोग नहीं लिया वहाँ से, अभी हम लोग जा रहे हैं मौलाना स्टोर, वहाँ से हम लोग परचेस करेंगे हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम। और मैंने शू नहीं लिया क्योंकि मेरे को वैसा शू नहीं मिला जैसा मेरे को चाहिए था, इसलिए मैंने क्रॉस ले लिया। फास्कोपी है, मेरे को 800 में पड़ा, अगर रियल होता तो बोल रहा है कि 2500 पड़ेगा, तो मैंने बोला नहीं चाहिए रियल। तो वही कि हम लोग ने इलोरा से नहीं लिया क्योंकि हमें हमारा बाल ख़राब नहीं करना है, तो एक्सपेंसिव ही लेंगे, बट अभी हम लोग जा रहे हैं मौलाना स्टोर, वहाँ से लेंगे। सो थैंक यू राज भैया हमें अच्छा टिप्स देने के लिए, तो जाते हैं और लेते हैं मौलाना स्टोर से, तब तक वीडियो पे बने रहना। और एक बात कि यहाँ पर मैं लाइक डेट करने आया हूँ किसी को, मैं किसी के साथ जा रहा हूँ मैं घूमने के लिए आज। सो मैं दिखाता हूँ वो कौन है। ओए बताओ, तो बताओ ना, इसके साथ मैं डेट करने जा रहा हूँ आज, इस चुमू बच्चा के साथ। ओए हाय, ऊपर वाली दिशा का लड़की बनाया होता तो क्या लगता है, इसका मुंह देख। जोक सपाट सब साइड पर रखते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं नाहटा में, वहाँ पर भगवती स्टोर है बोला, तो वहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर वहाँ पर मिला तो मिला, वरना हम लोग जाएंगे मौलाना स्टोर से परचेस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, अगर मिला तो लेंगे, वरना वापस इलोरा पे जाकर, वहाँ पर जो देखा था मतलब थोड़ा वो इतना अच्छा नहीं है, फिर भी काम चला हुआ है तो वहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो जाते हैं और देखते हैं सबसे पहले तो ऊपर वाला क्या चाहता है। तो फाइनली हम लोग ने हेयर कलर ले लिया भगवती से, लाइक ये स्ट्रीट्स का हमें पड़ा, स्ट्रीट्स का लिया, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लाइक 500 के अंदर ही लिया हम लोग ने, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ना इतना एक्सपेंसिव। हम लोग को बस वन मंथ यूज़ होने से हुआ, क्योंकि अभी दीदी का शादी है, तो हम लोग ने सोचा थोड़ा स्ट्रीट्स करते हैं बाल, तो हम लोग ने ले लिया 500 के अंदर ही पड़ा।
सो अभी हम लोग का सब कुछ तो कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग जाएंगे कुछ खाएंगे फिर सीधा वहाँ से घर। लाइक मैंने आज लाया था 1500 समथिंग लाया था, मेरे पास 100 या 150 रुपये बचा है, मैं क्या करूँ, रूँ या हंसूँ ऐसा हो रहा है मेरा फीलिंग कसम से। लाइक भाई मेरा कितना गया, इधर से 800 इधर से 300, मतलब ऐसे ही मेरा लाइक, और गाड़ी वाड़ा वाड़ी वाला खा पी के मतलब कम से कम तो मेरा 1200-1300 चला गया, मेरा एल लग गया पूरा पैसे का, क्या ही बताओ। और मैं जिसके साथ डेट पे आया था वो साला मेरे को कुछ खिला ही नहीं रहा है, मे भी कुछ खिलाओ ना हमको। जोक सवाल सब साइड पे, अभी जाते हैं जाके घर पे हम लोग स्ट्रेट करेंगे, आज ही करेंगे क्योंकि 21 को दीदी का शादी है और 21 से पहले हम लोग को पूरा स्ट्रेट चाहिए। टीचर मैं इतना ज़्यादा फेमस हो चुका हूँ ना, अभी मेरे को लोग पहचानते हैं, मेरे को अनिशा दी बुला के, मतलब एक दीदी है हमारी अनिशा दी, वो बुला के मेरे को बोल रही है भाई कैसा है। नहीं मैंने उनको देखा तो मैंने हल्का बार पूछा उनका, दीदी कैसे हो, उन्होंने भी पूछा, सो अच्छा लगा दीदी से मिलकर फर्स्ट टाइम। मैंने सोचा था उनको ब्लॉग में लाऊंगा बट दीदी का इतना हड़बड़ी था ना, मतलब वो कहीं पे जा रही थी शायद से, तो मैंने बोला छोड़ो यार मेरे को नहीं लाना है गंदा मुँह, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम अगर दीदी से मिलेंगे तो पक्का दीदी को ब्लॉग में लाएंगे। लोगों से एक बात शेयर करता हूँ मैं, लाइक जब मैं पहले सिलचर कभी कभी आता था नॉट रेगुलरली, तो मेरे को पता नहीं था कि सामने ऑटो मिलता है, और मैं यहाँ से ये पॉइंट से ऑटो लेके जाता था इंडिया क्लब तक 20 रुपये या फिर 10 रुपये दे के, और फिर वहाँ से इंडिया क्लब से फिर पैसा दे के, तो मेरे को पता नहीं था इधर ही ऑटो मिल जाता है। बट अभी रेगुलरली और अब मैं रेगुलरली आते आते मेरे को पता चला कि नहीं इधर भी ऑटो मिल जाता है, तो मेरा पैसा बच रहा है अभी। तो बस आज के लिए इतना ही था, हम लोग आ चुके हैं ऑटो स्टैंड पे, तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही था। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना, चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन ऑल में सेट करके सपोर्ट करना। धन्यवाद, बाय बाय।